नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रामपुर के मिलक में चोरों के हौसले बुलंद, एक रात में चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। मामला कल्याणपुर गांव का बताया जा रहा है। पीड़ितों के द्वारा बताया गया, लगभग 3 घरों में 5 लाख रुपए की चोरों ने चोरी कर ली। घर वालों को कानों कान खबर भी नहीं पड़ी। चोरों ने घरों में से संदूकों को उठाकर कुछ दूरी पर रख दिया। उसमें से जेवरात पर नगद कैश निकालकर अपने साथ ले गए। संदूक गांव के कुछ लोगों को दिखाकर उन्होंने जोर शोर शराबा किया। 2 लोगों के संदूक घर से गायब थे। एक महिला के सोते वक्त चोरों ने कानों से कुंडल उड़ा लिए। हम आपको बता दें, जब सुबह घर के मालिकों ने शोर शराबा सुना तब उन्हें पता पड़ा घरों में चोरी हुई है, जिससे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। रामपुर से संवाददाता सत्यवीर सागर की यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू खान है। कहाँ रहते हैं? कल्याणपुर। मेरे साहब कल लड़की को लग दी 3 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए साहब। तभी वो लड़की ने अपनी नानी को पहुँचा चले, लड़की ने ऐसे ऊपर बकस में धर दिए। बकस में धर कर वो आए उधर से, तो उसी में मेरी चैन भी धरी थी। 1,05,000 की चैन थी, 16,000 की अंगूठी थी साहब, और 3,000 लड़की के धरे थे और जेबरी थी लड़की की, उसमें यही पैसे धरे थे इतने। वो इन्हें बकस में ताला ना लगा पाई, वहीं से चले गए। मैं सो गया पल्ली सेट में अपने घर में। मेरी बहू और लड़का मेरी ससुराल चले गए थे कल्ली बारात में, तो मैं वहाँ से आया तो लड़की मुझसे बोली यहीं लेटे अब। मैंने बेटे बल्लंग डंगर उंगर है डंगर उंगर की जगह, तो उधर बेजार उजार आ जाते साहब। मैं लेट गया पल्लंग, वो यहाँ लेट हुई, तो सुबह हमें भी मालूम ना पड़े। मैं सो रहा बलकर मेरे दौरे फोन गया, तो बोले यार उनका अहमद रजा का, तो बोले कहाँ हो तुम? हकीम जी मैंने क्यों, मैं तो घर हूँ यार। तो बोले यार तुम्हारा बकस और जे यहाँ सब स्कूल में पढ़ी है। तो मैंने आकर लड़कियों से पूछा, मैंने बेटे बकस कहाँ है? तो बोली पापा जब उनने देखा तो बकस है ही नहीं, तो स्कूल को हुआ तड़पड़ हुआ। तब अब पुलिस को फोन करा, पुलिस आई, फिर उन्हें 100 नंबर को फोन करा, 100 नंबर वाले आए थे। वो साहब हमारे ज्वेलर साहब 1.5 लाख रुपए वो गए हैं, और 1,05,000 की अंगूठी थी और 16,000 की वो अंगूठी थी 16,000 की, चैन थी 1,05,000 की, और 3,000 लड़की बता रही अपने हैं मेरे धरी, और उसकी जेबरी थी, और एक कुंडल रह गया, उसमें एक कुंडल है अभी। साहब ये पता तो पूरा खुल हुआ है, आई जा रहे हैं आदमी। अब हम ऐसे नहीं कह सकते किसी के लिए साहब, क्योंकि को मालूम था या कोई था यहाँ। अब लड़की भी ये करें आन को, तो पूरा मोहल्ले के आई जा रहे हैं, सभी ये मालूम है, और सभी ये मालूम है कि पैसे भी धरते हैं यार। ना कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ना पहली बार हुआ है। पुलिस आई थी, पुलिस ने अभी कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि चौकी आ जाइए बड़े गाँव जी। रात हुई थी साहब, ये समय के हमें पता नहीं है साहब। हम कहे खाली साहब हमें पता, हमें तो सुबह उन्हें फोन करा तो पता पड़ी है कि बकस पड़ा हुआ था हमारा हुआ। हाँ देख कर उन्हें ये बताए थे कि आधार कार्ड पर नाम पड़ा को उन्हें उनका आज, तब हम अहमद रजा ने हमारे पास फोन करा कि हकीम जी तुम्हारा बकस पड़ हुआ है। आपके यहाँ भी चोरी हुई थी जी? क्या नाम है आपका? छोटे खान। अच्छा, जिनके कुंडल खींचे उनका क्या नाम है? जस्मीन। कौन लगती हैं आपकी? मैडम। अच्छा, तो कितने समय की घटना है ये? 3:30 बजे की बात है। 3:30 बजे, तो कितने का चोरी हुआ सामान? ये साहब 15,000 का बैठेगा। 15,000 का कुंडली थे? हाँ कुंडली। और कुछ? और कुछ नहीं। पुलिस आई थी आपके यहाँ पे? हाँ आई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा देखते हैं शाम को आएंगे और शाम को देखेंगे। आप क्या चाहते हैं? यार हम ये चाहते हैं हमारा माल मिल जाए, चोर पकड़ जाए, चोर पकड़ जाए, और क्या चाहिए। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? क्या हुआ आपके साथ? चोरी हुई है। चोरी हुई थी जी? कब हुई है ये? सुबह पता लगी है। अच्छा, रात में हुई थी मतलब? हाँ रात में हुई थी। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ आपका? चोरी 2 जोड़ी ज्वेलरी, 2 जोड़ी कुंडल, मांग पट्टी, पानहार, 90,000 कैश। तो इसके संबंध में पुलिस को सूचित किया था आपने? सूचित किया था। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बोले सबके आधार पर कोई हो तो बताइए, हमने आप सबके आधार पर। अच्छा, जब चोरी हुई थी तो आपको कैसे पता पड़ा कि हमारे घर में चोरी हो गई? सुबह को जब शोर हुआ तब पता चली, जब बाहर से पता चली, मुझे बक्सा उक्सा कागज आई डी वगैरह पकड़ी गई उसमें, तब पता लगी। आपके यहाँ पे कितने घरों में लगभग चोरी हुई है जी? कुछ घरों में चोरी हुई है ना आपके यहाँ पे? दो चार घरों में। तब आपको पता पड़ा जी? सुबह में पता लगी। क्या चाहते प्रशासन से आप? प्रशासन यही है जो हमारा मतलब छानबीन करी जाए,
ताकि पता किया जाए कौन मतलब चोरी है किसने की।